एक ऐसा गांव जहां का मुखिया खाता किसी देश में है और सोने के लिए किसी और देश में जाता है, जहां के लोगों को दोहरी नागरिकता का लाभ मिलता है, जहां बिना पासपोर्ट वीजा के लोग दो देशों की यात्रा कर सकते हैं। सदियों पूर्व यहां रहने वाले लोगों के बीच दुश्मन का सिर काटने की परंपरा चल रही थी, जिस पर साल 1940 में प्रतिबंध लगाया गया। वो गांव और कोई नहीं बल्कि वो गांव है नागालैंड का लोंगवा गांव। यहाँ का जो मुखिया है वो खाना किसी और देश में खाता है और सोने के लिए किसी और देश में जाता है। और इस गांव के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि भारत म्यांमार सीमा इसके ठीक बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता का लाभ मिलता है और वे लोग स्वतंत्र रूप से दोनों देशों में घूम सकते हैं। ये गांव जितना खूबसूरत है उतनी ही अनोखी यहाँ की कहानी भी है। आपको बता दें कि इस गांव का आधा हिस्सा भारत में पड़ता है और आधा म्यांमार में। इस गांव की एक और खास बात यह है कि सदियों से यहाँ रहने वाले लोगों के बीच दुश्मन का सिर काटने की परंपरा चल रही थी, जिस पर साल 1940 में प्रतिबंध लगाया गया। म्यांमार सीमा से सटा लोंगवा गांव नागालैंड के मोन जिले में घने जंगलों के बीच में बसा भारत का आखिरी गांव है। यहाँ कोयांग आदिवासी रहते हैं। इन्हें बेहद एक ओंकार माना जाता है। अपने कबीले की सत्ता और जमीन पर कब्जे के लिए वो अक्सर पड़ोस के गांवों से लड़ाइयां किया करते थे। साल 1940 से पहले कोयांग आदिवासी अपने कबीले और उसकी जमीन पर कब्जे के लिए वो अन्य लोगों के सिर काट देते थे। कोयांग आदिवासियों को हेड हंटर्स भी कहा जाता है। इन आदिवासियों के ज्यादातर गांव पहाड़ी की चोटी पर होते हैं ताकि वे दुश्मनों पर नजर रख सके। हालांकि 1940 में ही हेड हंटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस गांव के अधिकारियों ने तय किया कि दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा गांव के बीचों बीच से जाएगी, लेकिन कोयांग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं बॉर्डर के पिलर पर एक तरफ हिंदी में संदेश लिखा हुआ है और दूसरी तरफ बर्मीज में। यहाँ के जो आदिवासी होते हैं उनमें मुखिया प्रथा चलती है और कई सारे गांवों का ये एक मुखिया होता है और ये कई सारी पत्नियां रख सकते हैं, जिनमें एक मुखिया की 60 बीबियां भी रही हैं। भारत और म्यांमार की सीमा इस गांव के मुखिया के घर के बीच से होकर निकलती है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का जो मुखिया है वो खाना भारत में खाता है और सोता म्यांमार में है।